Hello everyone, I am Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Hirodov. The question says The angular momentum of a particle relative to a certain point O varies with time as m vector is equal to a vector plus b vector into t square, where a vector and b vector are constant vectors with a perpendicular to b.

क्लियर है ये बात तो देखिए बच्चों जैसा कि हमारे को m वेक्टर दे रखा है है ना m वेक्टर हमारे को क्या दे रखा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर t स्क्वायर ठीक है तो हम लोग यहां से क्या देख पा रहे हैं कि अगर डिफरेंशिएट करें m वेक्टर को टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा dm वेक्टर dt है ना ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा ये देखिए आ जाएगा 2 ऑफ b वेक्टर t के बराबर ठीक है अब देखिए बच्चों यहां पर फोर्स मोमेंट एन वेक्टर लिखा है इसका मतलब कि यहां पर टाउ वेक्टर को बेसिकली किससे डिनोट किया गया है एन वेक्टर से ठीक है तो हमारे को दो चीजें समझ में आ रही है पहली चीज ये कि एम वेक्टर हमारे को दे रखा है कितना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू टी स्क्वेयर और इसके अलावा हम लोगों ने क्या निकाल लिया एन वेक्टर निकाल लिया और वो कितना है ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर इन टी के बराबर क्लियर है ये बात अब देखिए बच्चों हमसे क्या कहा गया था फाइंड द फोर्स मोमेंट एन वेक्टर मतलब कि हमसे टॉर्क वेक्टर के बारे में पूछा गया था रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ एक्टिंग ऑन द पार्टिकल कब जब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एन वेक्टर एंड एम वेक्टर इक्वल्स 45 डिग्री तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर एम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाए एन वेक्टर के साथ तो वो कितना आ जाएगा एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 45 डिग्री है ना क्योंकि हमसे यही कहा गया है कि हमें क्या निकालना है हमें निकालना है फोर्स मोमेंट इन वेक्टर मतलब कि टॉर्क निकालना है रिलेटिव टू पॉइंट टू कब जब एम वेक्टर और एन वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा 45 डिग्री ठीक है तो देखिए बच्चों यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनटू टी स्क्वायर ठीक है square, ये तो हो गया एम वेक्टर इसका डॉट लेंगे किसके साथ 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इनटू टी के साथ और ये कितना आ जाएगा तो ये बेसिकली आ जाएगा एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन टू एन वैक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड टू अब एन ये जो एम वैक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा तो देखिए एम वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली हम लोग समझ पा रहे हैं कि चूंकि ए वैक्टर और बी वैक्टर दोनों क्या है म्यूचुअली पर पेंडिक्युलर है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एम वैक्टर कितना आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी टी स्क्वेयर की पावर टू ठीक है इसी तरीके से बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो n वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो सिंपली यहां पर क्या कह सकते हैं टू बी टी के बराबर हो जाएगा क्लियर बात जहां पर b क्या है वो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ठीक है ना तो यहां पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर टी टू फोर ठीक है मल्टीप्लाइड बाय टू बी टी मल्टीप्लाइड बाई कॉस फोर्टी फाइव डिग्री अब चलिए बच्चों तो क्या आ जाएगा ए वेक्टर डॉट टू बी वेक्टर इन टू टी प्लस और यहाँ पर बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर जो है वो तो क्या हो जाएगा वो बी स्क्र बन जाएगा ठीक है इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र टी टू दावर फोर मल्टीप्लाइड बाई रूट टू बी टी के बराबर ठीक है अब ये वाला टर्म देखिए ये जीरो हो गया क्योंकि ए और बी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा क्लियर है ये बात तो अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ गया टू टी क्यूब बी स्क्वेर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी टी टू फोर मल्टीप्लाइड बाय इसे मल्टीप्लाई करना होगा रूट टू बी टी से अब देखिए एक b जो है यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा और एक t जो है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा और यह टी है तो हमारे पास देखिए अब क्या आ गया हमारे पास आ गया टू बी टी स्क् रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र टी टू दावर फोर मल्टीप्लाइड बाय रूट टू ठीक है अब बच्चों इन रूट्स को हटाने के लिए काम करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं ठीक है तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा फोर बी स्क्वेयर टी टू द पावर फोर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेर टी टू द पावर फोर मल्टीप्लाइड बाई टू ठीक है तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये टू टू द फोर हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास क्या आ गया हमारे पास आ गया बी स्क्वेयर टी टू द पावर फोर मल्टीप्लाइड बाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टी टू द पावर फोर ठीक है तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा बी t टी टू दावर फोर इज इक्वल टू ए स्क्वेर तो यहाँ से टी टू पावर फोर बराबर आ जाएगा ए स्क्वेयर अपऑन बी स्क्वेर और यहाँ से फर्दर हम लोग समझ आ रहे हैं कि टी स्क्वेयर बराबर आ जाएगा ए अपॉन बी और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ए अपॉन बी आ गया ठीक है तो बच्चों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं एन वेक्टर जो है वो क्या था वो बेसिकली टू टाइम्स बी वेक्टर इन टी के बराबर था ठीक है और हम लोग देख पा रहे हैं कि टी की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट ऑफ ए बाई बी आ गई ठीक है तो बच्चों आई थिंक अब आप समझ पा रहे हैं कि एन वेक्टर को फाइनली क्या लिखा जा सकता है एन वेक्टर को लिखा जा सकता है टू टाइम्स बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई टी जो कि कितना है अंडर द रूट ऑफ ए अपॉन बी के बराबर ठीक है तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर रही बात तो आई होप बच्चों कि आपको ये सवाल का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है ना देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मे आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय